कहानी की शुरुआत होती है कनाडा में, जहां आबादी बढ़ने की वजह से सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता। कनाडा और USA के बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, जहां से पूरी तलाशी लेकर ही लोगों को आगे जाने दिया जाता था। वहीं एक कार में जॉन ब्रैनिक, जो कि एक फौजी हुआ करता था, अपनी पत्नी कैरन के साथ था। कैरन अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वह प्रेग्नेंट है और यहां से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत बाहर नहीं आएगी। जब फौजी उनके सामान की तलाशी ले रहे थे तो एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने उसे बचा लिया। उनके बाहर आने के बाद एक फौजी की नजर मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और कई सिपाहियों ने पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चों और पत्नी को बचाने के लिए कैरन को वहां से भाग जाने को कहा, जबकि वह वहीं रुककर सैनिकों को रोके रखेगा। इसके बाद जॉन को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जा रहा था, जिसका नाम है फुट ट्रेश। यह देश की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल है, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहां से किसी का बच निकलना नामुमकिन था। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह नंगा करके उनकी चेकिंग की। इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में हाईटेक ट्रैकर डाल दिया। अगर कोई भी कैदी जेल के नियमों को तोड़ेगा तो ये सिस्टम एक्टिवेट होकर उसका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पू ने सबसे कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन को पार करते ही कैदी की मौत हो जाएगी। एक कैदी घबरा कर गलती से येलो लाइन के पार चला गया और अचानक पेट में तेज दर्द की वजह से नीचे गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। उसी समय उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में धमाके से फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती के 30 फ्लोर नीचे जाकर थी। जॉन को नीनो नाम के कैदी के साथ J10 नाम का रोबोट से मिलाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बीम से लगाई गई थी। जॉन वहां D-Day और अब्राहम से मिला। रात को सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को चेतावनी दी कि गलती से भी कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद जेट वहां चेकिंग पर आया। वह जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने तक पहुंचकर जॉन सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। अपने मॉनिटरिंग रूम से पोन ने भी जॉन का सपना देखा और उसकी नजर कैरन पर टिक गई, क्योंकि वहां किसी को सपना देखने तक की भी इजाजत नहीं थी। इसलिए पोन ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में जोरदार दर्द की वजह से वह नींद से उठ खड़ा हुआ। अगले दिन मजदूरी करते वक्त मैडॉक्स नाम के आदमी से प्यार करता हूँ टाइप के एक आदमी ने मीनू का गलत फायदा उठाना चाहा। जॉन तुरंत उसे बचाने पहुंचा, लेकिन जेट ने तीनों के पेट में डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटी से लेजर सेल में रख कर पूछा गया कि शुरुआत किसने की। नीनू मैडॉक्स से बहुत डरता था, इसलिए चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो की ऑफिस में लाया गया, जहां वह कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि यहां कैरन को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। पो ने जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द से कराहने लगे। बाद में अब्राहम ने बताया कि फ्लोर A और B में सभी औरतें हैं और कैरन भी वहीं होगी। उधर कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही उसे पेट में दर्द हुआ, गार्ड्स उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। वहां हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। कैरन को एहसास हुआ कि नए जन्म बच्चों के साथ जरूर कुछ न कुछ किया जा रहा है। उधर आदमियों की जेल में यूडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन अचानक जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मैडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। पो ने ऑफिस से जॉन को ऑर्डर दिया कि मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने उसकी बात ना मानते हुए मैडॉक्स की जान बचा ली। गुस्से में पो ने मैडॉक्स के पेट में लगे डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले कि गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मैडॉक्स को सिक्योरिटी डिवाइस मीनू को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया, जहां जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन पर बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है माइंड वाइफ चेम्बर। पो ने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन
कुछ ही देर बाद गार्ड्स उसे खींचकर बाहर ले गए। अब मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिससे जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये पो का ऑर्डर ना मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग के दिन और उसकी शादी के दिनों की यादें घूमने लगी। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जॉन 3 दिन से उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग 1 घंटे में ही मर जाते हैं। पो ने कैरन से कहा कि अगर वह जॉन को तलाक देकर उसकी हो जाए तो वह जॉन और उसके होने वाले बच्चे दोनों को रिहा कर देगा। अपने पति और होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो ना चाहते हुए भी राजी हो गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वह किसी से कोई बात नहीं करता था, यूं ही गुमसुम सा पड़ा रहता था। यहां तक कि उसे किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस होना बंद हो गया था। कैरन पो के साथ रहने लगी। एक रात उसने देखा कि पो कुर्सी पर कई सारी तारे अपने शरीर से जोड़कर बैठा है। पता चलता है कि पो की मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना तो कुछ खाने पीने की जरूरत है और ना ही सोने की। बस महीने में एक बार यह तारे जोड़कर अमीनो एसिड लेना ही उसकी खुराक है। जेल में पैदा होने वालों बच्चे के साथ भी यही किया जाता है। बहुत से ऑपरेशन करके उन बच्चों को एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है, ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसान और भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते ही कैरन के होश उड़ गए। अब 4 महीने हो चुके थे, लेकिन जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं था। अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। जॉन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी आंख से आंसू टपक पड़ा। उस रात कैरन ने पो को रिझाकर उसे खूब शराब पिलाई और बेहोश कर दिया। फिर वह कंट्रोल पैनल के जरिए वो जॉन के सपने में पहुंची। बचपन में जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिससे असलियत में जॉन को होश आ गया, जिससे उसके साथी उसे ठीक देकर बेहद खुश हुए। जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम से मदद मांगी। अब्राहम जॉन के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो गए। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। बाद में नीनू ने जॉन को एक सिक्योरिटी डिवाइस दिया, जो उन्होंने मैडॉक्स के शरीर से लिया था। असल में उनका दोस्त डी डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर में माहिर था। उसने उस डिवाइस की अच्छी तरीके से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद कैरन ने पो के केबिन से हीरे जैसे दिखने वाली चीज चुरा ली। वो पकड़ी जाने ही वाली थी कि उसने उस चीज को अपने मुंह में छिपा लिया। अगले दिन उसने वह हीरे जैसी चीज अब्राहम को देकर जॉन तक पहुंचाने को कहा। असल में यह हीरे जैसे दिखने वाली चीज पूरी जेल का एक डिटेक्ट नक्शा था। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने उस नक्शे को वापस पो के कमरे में रख दिया, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। उधर डी डे ने पता लगा लिया कि सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर चुंबक लगी हुई थी। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में लगे डिवाइस को बाहर निकालने का फैसला किया। उनका यह प्लान कामयाब रहा और उसके सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन जेट रोबोट ने पो को बताया कि जेल में गड़बड़ी चल रही है। पो ने कैमरा फुटेज में कैरन को लेंस चुराते हुए और अब्राहम को लेंस वापस रखते हुए देख लिया। उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद वो गुस्से से भर गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, जेट ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से अब उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग गई। सबने अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया की एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब जेट रोबोट को लड़ाई का पता चला तो उसने डिवाइस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन उनके सिक्योरिटी डिवाइस तो पाइप पर लगे थे। उनके जोरदार धमाके के साथ पाइप फट गए और वहां भागने का रास्ता बन गया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, पो ने कंट्रोल रूम से पाइप में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने सभी कैदियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वह लोग पाइप में फंस चुके थे। स्टैक्स नाम का एक कैदी घबरा कर वापस जेल में जाने लगा, लेकिन जेट रोबोट ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम जेल में कैरन को लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त वहां पो आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरन को खींचकर ले गए, ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। अब उन्हें पता चला कि यह कोई रोबोट नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन है। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी सब का सामना करते हुए वापस जेल तक पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के केबिन में जाकर कैरन को ढूंढा, तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी, जहां डॉक्टर्स उसके और कैरन के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन पो अब डायरेक्टर ही नहीं था, इसलिए उसकी कोई नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया, लेकिन सभी कैदी एन मौके पर हट गए और गोली सीधे पो को लग गई। उसके मरने के बाद डी डे ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने उसे मार दिया। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डी डे ने अपनी बची खुची ताकत से पूरी बिजली का सिस्टम ही बंद कर दिया। डॉक्टर रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए। अब सिर्फ जॉन और नीनो वहां बचे हुए थे। वो कैरन को बचाने पहुंचे और डॉक्टर से छुड़वा कर उसे जेल के ट्रक में भगा ले गए। वह तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके ही रुके। अब कैरन बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। पता चलता है कि ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन उसका सामना करने बाहर गया, जबकि कैरन झोपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोपड़ी से टकराया और कैरन भी मलबे के नीचे फंस गए। जॉन घबरा कर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही मौके पर वहां से निकल गए। वह बिल्कुल सुरक्षित थी और उसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो ही गए। तुम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।